नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट एजिटिक प्लेटफॉर्म पे दैट इज एन अकेडमी और साथ साथ स्वागत है आप सभी का आगाज प्रोग्राम में भी जहाँ पे हम आपको करा रहे हैं 75 फाइव डेज में गई प्रस का पूरा सिलेबस ओके सो दिस इज आर फर्स्ट क्लास ऑफ द आगाज टुडे 1 पीएम पे पहली क्लास होती है गई जोग्राफी की मैं आपको जोग्रफी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा रहा हूँ शाम को पांच बजे ओके okay? तो so, दो बार मिलते हैं यूट्यूब पे हम ओके सो गई मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर इन ऑल द क्लासेज

आपकी प्रैक्टिस करना है जरूरी है क्योंकि यहाँ आपका रिवीजन भी हो जाता है यहाँ आपके कोई गलत कुछ तो कुछ पढ़ावा है आपने तो वो भी सही हो जाता है कॉन्फिडेंस भी आता है और काफी नई चीजें भी आप यू नो यहाँ पे सीख सकते हो ओके सो दिस इज द थिंग सो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो ग्यारह बजे तीन बजे हम मिलते हैं आपके ऊपर सिक्योर प्रॉब्लम्स में तो अभी भी मिलेंगे तीन बजे So, do that class also. And के बारे में आपको पता ही होगा बच्चों आप जहाँ पे इन अप्रोप्रेट कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी एजुकेटर अगर आपको लगता है कि यू नो एनीथिंग इज इन अप्रोपरेट वो बता रहा है या बता रही हैं तो आप उसे कंप्लेन कर सकते हो ओके okay, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है अन अकेडमी कॉम्बैक्ट आए हो वो आप जुड़ गए हो हर संडे को टेस्ट दीजिए बच्चो ऑल इंडिया रैंक कंपनी एनालाइज कीजिए और अगर आप नहीं आ रहे हो टॉप में ओके okay, कहीं प्रॉब्लम्स हैं किसी सेक्शन में तो उस पर वर्कआउट कीजिए ओके ये मेरी सलाह है आपको फ्री टेस्ट सीरीज है मेरा कोड यूज करके आप ये टेस्ट सीरीज सारी जो है दे सकते हो आइकॉनिक प्लस और यू नो आइकॉनिक्स पे आप जुड़ सकते हो बच्चों हमारे साथ जो कि इस एक्चुअल में ये जगह है जहां पे आपको अगर सीरियस स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस एक्सपेरेंट्स हैं पूरे लॉन्ग टर्म अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है मेंस को कवर करते हुए इंटरव्यू को कवर करते हुए टेस्ट सीरीज़ के साथ में टॉप एजुकेटर्स के साथ में मेरी गाइडेंस पर्सनल गाइडेंस के साथ में तो आपको जो है प्लस पे या आइकोनिक पे होना चाहिए तो अभी बच्चों बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं ये हमारी लिस्ट है सक्सेसफुल की तो आज से कई आपके कई बैचेस चालू हो रहे हैं ओके फीनिक्स बैच दो के लिए दो के लिए दो के लिए एनसीआरटी फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं ऑप्शन के भी कई सारे बैचेस अभी चालू हैं लाइव आप अटेंड कर सकते हो लोन पे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो बच्चों जीरो प्रोसेसिंग फी है यहाँ पे दो घंटे में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा बुक्स आपको भी मिल रही हैं थर्टी थाउजेंड रुपीज की गई सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों टेस्ट सीरीज होती है एग्जामिनेशन के अंदर क्योंकि वहीं आपका पता चलता है कि आप कितने पानी में हो तो यहाँ आप अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो पहले ही आपको मुझे मान के चलिए कि दिक्कत आने वाली है एग्जाम में और यहाँ कर पा रहे हो तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे सकते हो किसी से राय मशवरा करने की या You know, परेशान होने की जरूरत नहीं है राइट शो, अभी 35 डिस्काउंट मतलब दो चॉइस होती है तो प्लस का ले लो आप, कॉम्बो आप तो प्राइस है पैतीस परसेंट डिस्काउंट के साथ तो जल्दी वो ऑफर खत्म होने वाला है तो जल्द से जल्द पहुंचिए कोड यूज कीजिए और हमारी टीम में जुड़िए ओके ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द फ्यूचर में आपको पूरी मदद करेगी मेरी टीम जो ये मेरे पर्सनल मेरी तरफ से आपको इसका बेनिफिट्स मिल रहे हैं पर्सनली आप मुझसे जुड़े रहोगे टेलीफोन पे मेंटरिंग और गाइडेंस के लिए डिस्काउंट आपको पूरा मिलेगा वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा और जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है इससे भी ज्यादा ओके यू विल बी रियली वेरी हैप्पी आफ्टर यूजिंग दिस कोड एंड गेटिंग द सब्सक्रिप्शन थ्रू दिस कोड ओके सो दिस इज नथिंग तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थ एटमोस्फेयर ओके सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ ऑल ऑफ यू ठीक है शो क्लास इधर चालू होती नहीं उधर बातें चालू हो जाती है बच्चों यार कैसे करोगे मतलब कैसे हो पाएगा ऐसे यहाँ सो गुड आफ्टरनून सुरभी ओके अर्चना हेलो सर हाउ आर यू अंकित राजपूत गुड आफ्टरनून तनुश्री गुड आफ्टरनून ओके देवोजीत दत्ता गुड आफ्टरनून सर जी बिल्कुल गुड आफ्टरनून पूनम ओके कनीस फातिमा गुड आफ्टरनून तो क्लास करते हैं स्टार्ट और जो है आपके एटमॉस्फेयर हम पढ़ रहे थे तो बच्चो कल हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एटमॉस्फेयर के ठीक है दैट वाज पार्ट वन ऑफ द एटमॉस्फेयर पार्ट वन हमने कल कंप्लीट कर लिया था तो अच्छी बात है अगर आप कल भी थे और आप आज भी हो क्लास में आज बच्चों ये पूरी क्लास में खत्म कर दूंगा और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी ठीक है तो टेलीग्राम चैनल पे बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आप लिंक देख सकते हो ओके लिंक सीधा है सिद्धार्थ अंडर स्कोर यू एन पे आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पे और वहाँ से आप डायरेक्टली पब्लिक प्रोफाइल है तो सीधा इंस्टा चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टा पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो ठीक है शो so, कल मैंने आपको बताया था आज इसकी पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पर तो आज ये खत्म हो जाए तो कल क्या हमने इंट्रोडक्शन लिया एटमोसफेयर का मैंने आपको सारे बेसिक बातें बताए कि एटमोसफेयर कैसे एक यू you नो know, एक ओशन है ये जो हवा है हमारे ऊपर ये एक ओशन है हम इस ओशन के बेस पे रहते हैं ठीक है इस ओशन के बेस पे रहते हैं और इसको हम कहते हैं एटमोस्फेयर समझ गए आप उस परसली हम किसी के नीचे रह रहे हैं किसी के कुछ चीज हमारे ऊपर है तो हमारे पे पे कुछ प्रेशर भी पड़ता होगा उसे हम कहते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर ओके वन जीरो वन थ्री बच्चों याद रखना बर्थडे है ये आपका बर्थडे याद रखते हो ऐसे ही हमारे एटमोसफेयर का आप ये समझ लो बर्थडे है वन जीरो वन थ्री जो है नॉर्मोनोमियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है ये कल मैंने आपको अच्छे से बताया था आई होप आपको इसका इंपॉर्टेंस कल ही समझ में आ गया हो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको ठीक है साथ साथ में हमने आपको ईवॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बताया कैसे ईवल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का पहले जो है एटमॉस्फेयर स्ट्रिप ऑफ हो गया था पहला फिर डी की प्रक्रिया हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज थी टू थी फिर स्टेज थ्री में जो है आपके फोटोसिंथेसिस सिंथिस के द्वारा ऑक्सीजन ऐड करा गया और आज का जो एटमोसफेयर है वो हमें देखने को मिला है जिसमें ये गैसेस आपको मिलती हैं तो कल सा मैंने आपको बताइए नाइट्रोजन है सेकंड ऑक्सीजन है थर्ड जो नंबर जो नंबर पे है सबसे ज्यादा गैस जो मिलती है एटमॉस्फेयर में दैट इज द आर्गन गैस ठीक है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड में टिक कर देना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम है पॉइंट जीरो है समझ गए आप मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बताया था एटमोसफेयर का इवोल्यूशन बताया ओके कैसे ये म्यूटी से बचाता है हमको ओके जला देता है ये म्यूटियोर को हवा के अंदर ही शूटिंग स्टार्स जिनको आप कहते हो टूटता तारा कहते हो आप जिनको ठीक है वाटर साइकिल को ये हेल्प करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है गाइज कैसे ग्लोबल वार्मिंग में ये हेल्प कर क्या आपके इसका रोल है क्लाइमेट चेंज में इसका रोल है कौन कौन सी गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस आपके होती हैं तो ये सारी गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं ओके और भी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं मगर ये मेजर गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती हैं तो ये तो हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है वाटर वेपर भी बच्चों आपको नहीं पता होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि इसमें भी काफी एबिलिटी होती है वाटर वेपर में कि हीट को ट्रैप करके रख सकती है ओके और वही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि हीट को आप आने तो दो धरती पे पर जाने मत दो ठीक है वही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा तो बच्चों प्रॉब्लम हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और अगर बिल्कुल भी ना हो ये गैसेस तो बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है ठीक है आइस एज आ सकती है आपके लिए पूरे अर्थ पे जो है बर्फ के गोले में कन्वर्ट हो सकती है अर्थ तो बच्चों एक फाइन बैलेंस जो है बना रहे तो बेहतर है अब ह्यूमंस क्या है इस फाइन बैलेंस को ये जो नाजुक जो ये तराजू में जो ये है इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं इसमें क्या है वो आर्टिफिशियली अपना कार्बन को जो है

आपको नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ही जुड़ जाएं ओके सिड स्पेस यूपीएससी ब्रैकेट में कोड ओके सिड यूपीएससी ओके नहीं तो इंस्टाग्राम पे ढूंढ के आप वहां से लिंक जा सकते हो तो वहां आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन ओके okay, तो नोटिफिकेशन हर बार नहीं आएगा आपको किस्मत की बात होती है यूट्यूब किसी का भी तीन नोटिफिकेशन भेजता है बस एक चैनल के कोई सा भी चैनल आपने ज्वाइन कर रखा हो बॉलीवुड का हॉलीवुड का चायन अकेडमी का okay, तीन नोटिफिकेशन आएंगे एक दिन में आपके पास बस ओके okay? सो so ये आपके स्ट्रक्चर होता है एटमोस्फेयर का अब जो को भी हमने डिवाइड कर रखा है कई पार्ट के अंदर अब कुछ इनमें डिफरेंस होता होगा ओके okay. तभी तो हमने इनको डिवाइड कर रखा है ओके okay. मेरी बॉडी को भी आप डिवाइड कर सकते हो ऊपर हेड है फिर यहाँ पे जो है चेस्ट है नीचे स्टमक है नीचे लेग्स होते हैं अपने तो ऐसे ही बच्चों कुछ चेंजेस भी है यहाँ पे किसी आधार पे तो हमने डिवीजन किया होगा ये तो यहां पे ये समझना जरूरी है कि क्या बेसिस पे हमने डिवीजन किया है क्या डिवीजन है ये क्यों है ये डिवीजन क्या रोल है इसका ओके कैसे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं और कैसे सवाल जो है इस पे यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, है फर्स्ट लेयर जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर है जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमोसफेयर की ठीक है क्योंकि ये हम हमसे सबसे करीब है ये हमारा घर है ये इस यह सबसे ऊपर टॉप मोस्ट क्लेयर है ये राइट तो आप देख सकते हो ये पूरा यहां से यहां तक ये ट्रोपोस्फेयर है ठीक है तो बच्चों ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करते हैं एक एक क्लेयर के बारे में बात करेंगे अपन और अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ठीक है तो बच्चों ट्रोपोस्फेयर आपके अब एक यूनिक बात है बच्चों ट्रोपोस्फेयर की हाइट आपको बताना जरूरी है ट्रोपोस्फेयर कहां तक हम गिनते हैं कि वो ट्रोपोस्फेयर है बॉर्डर बाउंड्री क्या है बॉर्डर क्या है ठीक है तो बाउंड्री क्या है तो भाई अगर आपकी ये अर्थ है ओके okay, अगर आपका अर्थ में बनाऊ यहाँ पे सो दिस इज द अर्थ राइट दिस इज द अर्थ ये आपके पोल्स हो गए यहाँ पे पोल्स है बिल्कुल सही बात है यहाँ पोल आएंगे आपके ठीक है ये पोल है आपके ये आपके इक्वेटर है ठीक है ये इक्वेटर है पूरा का पूरा यहाँ पे पोल्स है आप मान लीजिए नॉर्थ पोल है यहां पे और यहाँ पे आपका साउथ पोल है अब गाई स्ट्रोपोस्फेयर क्या है यूनिफॉर्म नहीं है समझ रहे हो आप यूनिफॉर्म नहीं है मतलब पे उसकी हाइट ज्यादा है और जैसे पोल की तरफ जाओगे 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 अब तो कम हो जाएगी यहां पे ज्यादा है जाओगे 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 पोल्स तक कम हो जाएगी ऐसे कुछ है स्ट्रोपोस्फेयर का संरचना यहां पे इसकी हाइट इक्वेटर पे आपको मिलेगी लगभग सोलह किलोमीटर ठीक है पोल्स पे आते आते बच्चों ये सिर्फ आठ किलोमीटर तक रहती है उसके बाद ये कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गई है समझ रहे हो आप सिर्फ आठ किलोमीटर तक ये मिलती है पोल्स के ऊपर और इक्वेटर पे 16 किलोमीटर तक मिलती है अब ऐसा क्यों होता है ये भी सवाल पूछा जा सकता है ऐसा क्यों होता है कि इक्वेटर पे जो है ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा है और पोल्स पे जो है कम है इसका कारण गाइस कारण ये है कि ट्रोपोस्फेयर जो है आपके इक्वेटर के ऊपर आपको पता है गर्मी पड़ती है जोर से सूरज चमकता है इंसुलेशन ज्यादा मिलता है इंसुलेशन मतलब सूरज से आने वाली जो है गर्मी होती है उसको हम इंसुलेशन कहते हैं ज्योग्राफी के अंदर इंसुलेशन ज्यादा होता है तो बच्चों भाप ज्यादा बनती है यहाँ पे ओके पानी ज्यादा उठता है हवा ज्यादा गर्म होती है तो हवा ज्यादा गर्म होगी तो क्या करेगी ऊपर उठेगी ओके गर्म चीज क्योंकि हमेशा ऊपर उठती है तभी तो हमारे घरों में ऊपर पुराने आप घरों में गए हो कभी तो आपने देखा होगा ऊपर जहाँ छत होती है कमरे की वहाँ पे वेंटिलेशन होता है ऊपर जाली लगी हुई होती है एक पुराने घरों में महलों में ऐसा सिस्टम हुआ करता था क्योंकि गर्म हवा ये क्यों करते हैं वो ताकि रूम जो है कमरा जो है ठंडा रहे क्योंकि गर्म हवा अपने आप स्वतः ही ऊपर उठती है और ऊपर उठ के उससे बाहर निकल जाए वो ठीक है तो ऐसी बच्चों गर्म हवा है जो ऊपर उठती है और गर्मी ज्यादा है वो पड़ती है इक्वेटर पे तो यहाँ पे अपर कन्वेक्शन होते हैं हवा जो है गर्म उठती है बहुत हाइट तक पहुंच जाती है क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ऊपर तक होता है आपके इसलिए यहां से यहां पे खिंचा हुआ है ये ओके ड्यू टू अपर कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ द हायर सोलर एनर्जी ओके okay, ये जो है एक्सटेंड हुई हुई है ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे 16 किलोमीटर तक इस तरह की बच्चों कोई भी चीज एक पोल्स पे नहीं मिलेगी आपको वहां पे इतनी गर्मी नहीं होती इतने कन्वेक्शन होते ठंडा इलाका है तो वहां पे ट्रोपोस्फेयर जो है इतनी ऊंचाई नहीं है उसकी सिर्फ वो आठ किलोमीटर दस किलोमीटर आप कह सकते हो ये ऊंचाई है तो बच्चो ये डिफरेंस है ठीक है तो एक सार नहीं है इक्वेटर पे जो है ट्रोपोस्फेयर आपके यू नो अठारह किलोमीटर तक आपके मिलेगी आपको इक्वेटर के ऊपर और पोल्स पे आपको ये आठ किलोमीटर तक जो है मिलेगी समझ गए आप कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में ठीक है बच्चों प्रोपोस्फेयर का एक और रोल होता है वो प्रोपोस्फेयर की एक और खास बात है ओके ट्रोपोस्फेयर की खास बात यही है वो आपको पता भी है आप जाते हो जिसके लिए हिल स्टेशन छुट्टी मनाने जाते हो ठीक है बच्चों इक्वेटर पे माउंट किली भी है माउंट किली मंजारो भी है इक्वेटर पे ही है वो ठीक है एग्जाम्पल से समझाता हूँ एग्जाम्पल से बच्चों समझने की कोशिश की जाए की जा, करिया किया, किया, किया आप ताकि आप कभी कोई चीज जो है भूले नहीं बच्चों हमारा एक माउंटेन है जैसे हम कहते हैं किली मंजारो ओके ये किली मंजारो जो है आपके इक्वेटर पे है ये मान लो इक्वेटर है अगर इक्वेटर यानी कि जीरो डिग्री है ये इक्वेटर है ये जीरो डिग्री इक्वेटर अब जो ये इक्वेटर पे आपके वर्षा वन भी हैं रेन फॉरेस्ट भी अपन भी लगभग इक्वेटर वाले एरिया में ही रहते हैं तो कितनी भयंकर गर्मी होती है यहाँ पे आप देखो निकलना परेशान है दस बार सोचना पड़ता है आपको कि भाई बाहर कितनी गर्मी है तो मत निकले बचो इसी इक्वेटर पे एक माउंटेन है किली बंजारो माउंट किली बंजारो उसकी जो टॉप है टॉप पीक है वहां पे बर्फ जमी हुई है ओके वहां पे आइस मिलेगी आपको तो इसका मतलब क्या हो गया एल्टीट्यूड कि नकल उतारता है लैटिट्यूड की यानी कि ये बर्फ जो प्राकृतिक तौर पे आपको हायर लैटिट्यूड्स में मिलेगी यूरोप में जर्मनी में आर्कटिक में एंटार्टिक में कनाडा में ये आपको इक्वेटर पे भी मिल सकती है लेकिन बशर्ते इसकी एक शर्त है आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हवा के अंदर ओके इससे हम कहते हैं बच्चों एनवायरमेंटल लैप्स रेट इससे हम कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट आप चाहे धरती के किसी भी पार्ट में हो अगर आप ऊपर चलने लग गए तो आपको जो है नेचुरली जो है टेम्परेचर कम मिल होता चला जाएगा किस दर से लगभग ओके लगभग छह डिग्री सेंटीग्रेट डिग्री सेंटीग्रेड एट रेट ओके वन किलोमीटर ठीक है छह डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से आपको टेम्परेचर कम होता जाएगा जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाते जाएंगे हम स्टेशन पे क्यों जाते हैं ठीक है राजस्थान में माउंट आबू है राजस्थान जो आपको पता है बहुत गर्मी पड़ती है वहां पे वहीं पे एक स्टेशन है माउंट आबू क्योंकि पहाड़ों में ऊपर है वो तो वहां पे ठंड पड़ती है और बच्चों किस प्रकार से ये ठंड बढ़ती है एक किलोमीटर आप ऊपर चले गए हवा में छह डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा और छह बारह किलोमीटर चले गए ओके तो आपके 12 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा इस तरह से बच्चों इसे इसे कहते कहते हैं हैं हम एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल लैप्स लैप्स रेट रेट हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं कि हम जमीन से ऊपर जा रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो आपके कम होता जा रहा है बच्चों नॉर्मल लैप्स रेट है अगर गईज ये उल्टा हो जाए मान लो हम धरती से ऊपर जा रहे हैं अर्थ से ऊपर मूव कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बच्चों एक यूनिक फिनोमिना जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर इन इसके बारे में हम अगली क्लास में आपको डिटेल से बताएंगे ठीक है फिलहाल आप इतना समझिए कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे अपन ऊपर चलेंगे बच्चों ग्राफ है ये ग्राफ है यहाँ पे जो आपको बता रहा है देखो जमीन पे टेम्परेचर है बीस डिग्री ये ग्राफ क्या कहता है अपने को कि जमीन पे जो टेम्परेचर है वो है आपके बीस डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो धरती पे धरती से ऊपर जा रहे हो जीरो हो गया ये माइनस बीस हो गया माइनस चालीस माइनस पचास हो गया लगभग और ये आप यहाँ पे आपकी ट्रोपोस्फेयर जो है खत्म हो गई है ठीक है तो ट्रोपोस्फेयर में बच्चों यही खास बनाता है ट्रोपोस्फेयर को कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर आपका कम होता चला जाएगा छह डिग्री पर किलोमीटर के रेट के हिसाब से नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं बच्चों नॉर्मल लैप्स रेट

एल्टीट्यूड पे चलने वाली हवा होती है गस्ट ऑफ जेट्स होते हैं ये जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं अपर एयर सर्कुलेशन में आते हैं ये इसको भी अपन अलग क्लास में कवर करेंगे तो कुल मिला के बच्चों आप समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर पढ़ना कितनी सारी गतिविधियां यहाँ पे हो रही हैं ओके okay, काफी सारी चीजें हो रही है सुगेश ऊपर जा, जाते जाओगे जाते जाओगे माइनस हो जाएगा टेम्परेचर माइनस हो जाएगा लेकिन बच्चों एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब ऊपर जाते जाते हमारा टेम्परेचर जो है अब कम हो, है, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है अब वो कम हो रहा स्टॉप कर देगा और कांस्टेंट रहेगा थोड़े समय के लिए और फिर उसके बाद बढ़ना चालू कर देगा और बच्चों जहां पे ये टेम्परेचर स्टॉप हो जाता है ओके बढ़ना कम जो कम हो रहा है टेम्परेचर जहां पे ये स्टॉप हो जाता है वहीं पे ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री बॉर्डर जिसे हम कहते हैं वहीं पे ट्रोपोस्फेयर का बॉर्डर जैसे चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर का ना, क्या नाम है चाइना पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है कश्मीर में उसका क्या नाम है उसका नाम है एलओसी, ठीक है भारत और लद्दाख और चाइना का बॉर्डर जो लगता है उसका नाम क्या है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसे ही बच्चों ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का बॉर्डर का नाम है ट्रोपोपाउस ओके यानी कि ट्रोपोस्फेयर अब यहाँ पे खत्म हो गई है सर और स्ट्रेटोस्फेर यहाँ पे अब चालू हो जाती है आपके सिंपल समझ गए मतलब यहां तक आपके ट्रोपोस्फेयर थी एक बॉर्डर है यहाँ पे नीचे ट्रोपोस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर है अब इसके नीचे क्या है आपके अब, अब इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आपके चालू हो जाती है इस बॉर्डर को इस बॉर्डर को हम कहते हैं ट्रोपोपाउस यानी कि पाउस का मतलब समझिएगा पॉज मतलब रुक जाना मतलब अब ट्रोपोस्फेयर रुक गई है और जो है स्टेटोस्फेयर जो है अब जो है आगे आपके मिलेगी आपको ये बच्चों एक यूनिक अब कोई भी गई हम डिफरेंस अगर क्रिएट करते हैं कोई भी विभाजन करते हैं हम तो उसका एक क्राइटेरिया होता है यही एक स्टडी होती, होती है यही पढ़ाई होती है ओके ज्ञान तो वैसे भी आदमी नेचुरली बहुत चीजें समझ जाता है मगर ये एक स्टडीड एक आदमी ऐसी बातें करता है कि हमने कोई डिविजन किया है तो उसका कारण है तो बच्चों यहाँ पे क्या कारण है कि हमने ट्रोपोस्फेयर और स्टेटोस्फेयर को अलग माना यहां पे कारण ये है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता कम होता रहता है हाइट के साथ साथ जहां पे टेम्परेचर कम होना बंद हो जाता है हाइट के साथ साथ वहां पे हम मानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गई आपके और आपके स्ट्राटोस्फेयर चालू हो गई तो ये क्राइटेरिया है आपके ट्रापो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्राटोस्फेयर का बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है ओके साथ के साथ बच्चों ये एक और चीज में हेल्प करता है ये एक और चीज में हेल्प करता है ये एक लिड की तरह एक्ट करता है दखन की तरह एक्ट करता है ये ठीक है ये ट्रोपोपाउस की तरह एड करता है क्योंकि अब यहाँ पे इसके बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होगा स्टेटोसफेयर में इंक्रीज होना चालू होगा हाइट के साथ में बढ़ेगा टेम्परेचर ये डिफरेंस एक लिड की तरह दखन जैसे अपन लगा देते हैं ये क्लोज रखता है और अर्थ से जो पानी उठ रहा है बादल बन रहे हैं उन सबको ये नीचे ही रखता है एटमोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर के अंदर इट एक्ट लाइक अ लिड ऑल्सो ये कई टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या लिड की तरह ये एक्ट करता है तो बच्चों है उसका क्या नाम है उसका नाम है ट्रोपोपाउस ओके okay, बॉर्डर भी कह सकते हो डन भी है ये लिड भी कह सकते हो ओके okay, ये मिक्सिंग नहीं होने देता ट्रोपोस्फेयर और ऊपर की जो सतह है एटमोस्फेयर की ज्यादा ओके दैट इज द ट्रोपोस्फेयर इट इज अ बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोपाउस इज द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्टेटोस्फेर ओके ठीक है टेम्परेचर इन्वर्जन होगा बच्चों बात करेंगे डिटेल में अलग टॉपिक है ये टेम्परेचर इन्वर्जन ओके इसको अलग से लेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन होना चालू हो जाता है यानी कि अब जो टेम्परेचर घटना चाहिए ऊंचाई के साथ में वो आपके बढ़ना चालू हो जाता है इसे हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन और बच्चों टेम्परेचर इन्वर्जन ही मार्क करता है कि अब भैया स्ट्रेटोफियर ट्रोपोस्फेयर का हो गया है इलाका खत्म अब आप आ गए हो स्ट्रेटोस्फेयर में समझ गए आप कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो आप ठीक है टेम्परेचर कम क्यों होता है यार टेम्परेचर कम इसलिए होता है क्योंकि हीट नहीं होती है ठीक है बैक रेडिएशन जो होते हैं आपके अर्थ से बच्चों ज्यादातर हीट कैसे जनरेट होती है सवाल अच्छा है क्योंकि इसलिए ले रहा हूं मैं सवाल ये ये कह रहे हैं ऊपर क्यों टेम्परेचर कम होता है तो बच्चों हीट हीटिंग कैसे होती है अर्थ की सूरज की किरण आती है सीधे वो सबसे पहले धरती को टच करती है ठीक है अर्थ के सरफेस को टच करती है अर्थ का सरफेस बैक रेडिएट करता है उस गर्मी को इसलिए अर्थ का सरफेस सबसे ज्यादा गर्म होता है आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो ये जो हीट है आप इससे बच जाओगे वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा समझ गए आप तो अर्थ का क्योंकि जहां पे हीट वहीं तो ज्यादा होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके आगे है हवा थोड़ी गर्म हो जाएगी अपने आप समझ रहे हो आप मान लो कोई आपने कोई फायर जलाया ठीक है आप आप उसके आप बैठे हो तो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट तो गर्म होगा ओके समझ रहे हो तो उसके ऑब्जेक्ट के आसपास ही तो चीज जो है गर्म रहेगी उससे आप दूर जाओगे तो वो थोड़ी गर्म होगा तो आई होप बच्चों समझ गए होगे आप कमेंट सेक्शन में देख लेता हूं मैं ओके okay. so, यहां पे आपके लिए ये डायग्राम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों आपके एनसीआरटी में भी है अब इस डायग्राम को मैं हमेशा बार बार अभी दिखाता रहूंगा आपको पूरा जो क्लास है वो इसी डायग्राम पे चलने वाला है इसी डायग्राम पे पूरा क्लास जो है आपका चलने वाला है डायग्राम आप अभी देख लीजिए बार बार दिखाता रहूंगा कि इसी पे सब ये ये शेटोस्फेयर ये मीजोस्फेयर ये थर्मोस्फेयर सब इसी डायग्राम पे चलेंगी आप ठीक है अब बच्चो कहानी आपको ट्रोपोस्फेयर की समझ में आ गई कहानी इसकी थोड़ी बड़ी थी क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया क्योंकि हम हम रहते हैं इसमें तो हम तो हमारे जहाँ रहते हैं उसके बारे में तो जानकारी ज्यादा होना जरूरी भी है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है ये ठीक है जियोग्राफी बच्चों कहते हैं जियोग्राफी का मतलब आपको पता ही होगा जियोग्राफी मतलब ज्योग्राफी का मतलब होता तो है बच्चों जियो मतलब अर्थ उसकी स्टडी ओके okay. ये ज्योग्राफी का बच्चों एक मेजर लोग कहते हैं कि ये जोग्राफी का मीनिंग है ठीक है जोग्राफी का मीनिंग है बच्चों आप डीपर ज्योग्राफी पढ़ोगे ऑप्शन में पढ़ोगे ज्योग्राफी तो इट्स स्टडी ऑफ द अर्थ मैं वो मना नहीं कर रहा geography का मतलब जियो यानी कि अर्थ ग्राफी मतलब स्टडी अर्थ की स्टडी लेकिन मतलब जोग्रफी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मैन एनवायरमेंट का रिलेशन ठीक है जोग्रफी और मैन का रिलेशन इंसान और जोग्रफी का रिलेशन एनवायरमेंट का रिलेशन जोग्राफी कैसे प्रभाव डाल रही है इंसान पे और इंसान कैसे प्रभाव डाल रहा है एनवायरमेंट पे तो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जोग्राफी अगर आप डीप में पढ़ोगे ऑप्शनल के अंदर अपने तो ये सब बातें बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर का डायरेक्ट जो है अपने से लेना देना होता है डायरेक्ट आपके साइक्लोन्स आपके मॉनसून आपकी बारिश आपका स्नोफॉल गर्मी सर्दी सब जो है जेट स्ट्रीम वेस्ट स्ट्रीम जो मॉनसून में भी काम आता है वो सब इसी में होता है ट्रोपोस्फेयर में ठीक है अभी इतना ज्ञान काफी है अभी आगे चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे बचो स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट लगभग पचास किलोमीटर है बच्चो चीजें मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ जो मेरे बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स कहीं पे भी वो फंसे नहीं पचास किलोमीटर मतलब धरती से पचास किलोमीटर स्ट्रेट कहां से 50 किलोमीटर है पता भी तो होना चाहिए हमको कहां से ठीक है सो ये अर्थ है ठीक है ये अर्थ है आपके सो ठीक है ये आपके ड्रोपोस्फेयर है मान लेते हैं ये आपके ड्रोपोस्फेयर है ब्लू कलर की तो 16 किलोमीटर तक मिलेगी आपको ये आपको इक्वेटर के अगर ऊपर हो आप तो ये बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर है ठीक है स्ट्रेटोस्फेयर की क्या हाइट है गाइस 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहाँ से यहां से या यह यहां यहां धरती से या ट्रोपोस ट्रोपोपाउस से यहां से अर्थ से अर्थ से ये 50 किलोमीटर तक आपके मिलती है ओके okay. 50 किलोमीटर तक आपके अर्थ से पच की जो सरफेस है आपके सर से लेके ऊपर 50 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो मिलेगी सो दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर अब बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर में दो बातें आपको बताना चाहूंगा मैं ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए यहाँ पे ठीक है अब स्ट्रेटोफेयर में गाइस क्या होता है जैसे आप में पहुंचोगे दोबारा उस डायग्राम पे लेकर चला जाऊंगा जैसे ही बच्चों आप में पहुंचोगे टेम्परेचर अब इंक्रीज होना क्या है? हो गया बंद अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा समांतर रहेगा कुछ समय तक और ऊपर चले गए आप तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा ये जो पार्ट है ये दिख रहा है आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर ठंडा होना बंद हो गया अब 40 डिग्री हो गया माइनस में तो आप बोलोगे कि अब और ठंड मत दो में तो बिल्कुल आपको अब और ठंड नहीं लगेगी माइनस चालीस ही रहेगा आप ऊपर चलते जाओ और उसके बाद थोड़ा ऊपर चलने के बाद टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसके बाद लेकिन बच्चों टेम्परेचर जो है आपके हाइट के साथ इंक्रीज होना ज... होने लग जाएगा इसे हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल कंडीशन में हाइट के साथ टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज होना चाहिए मगर अब क्या होने लग जाएगा टेम्परेचर बच्चों आपका इंक्रीज होने लग जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में अभी एक यूनिक फिनोमेना होता है ये ठीक है जैसे गाइस हमारा ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा था ठंडी हो रही थी जैसे आप ऊपर जा रहे थे अब आप स्टेटोस्फेर में पहुंच गए अब आप और ऊपर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी ठीक है तो लगभग माइनस पचास से आप सीधा पहुंच जाओगे दोबारा जीरो डिग्री के ऊपर तो माइनस पचास से आप जीरो डिग्री पे पहुंच गए तो ये पूरी हीटिंग हो रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है बच्चों हीटिंग होती है ठीक है जैसे आप ऊपर चलोगे तो हीटिंग होती है तो ये एक यूनिक फीचर है आपके अस्ट्रॉटोस्फेयर के लिए ठीक है टेम्परेचर राइजेस टू दिस लेयर रिमेन कांस्टेंट फॉर सम डिस्टेंस उसके बाद जो है ये बढ़ना चालू हो जाता है इस में बच्चों कोई क्लाउड या कोई ऐसे वेदर फिनोमेनास नहीं होते हैं कोई पर्व आपके यू you नो know, बारिश वारिश से कोई इसका लेना देना नहीं है लेकिन बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ आप पे आपको बताना कि जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं ये ठीक है जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो हवाई जहाज में आप यात्रा करते हो ये बच्चों इसके नीचे लोअर स्टेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं ये ठीक है लोअर स्टेटोस्फेयर में या ट्रोपोपाउस से ऊपर ऐसा क्यों करते हैं गाइज़ ये? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है एयर की डेंसिटी जो घनत्व है एयर का वो बहुत ही कम हो जाता है काफी स्लो ओके डेंसिटी कम हो जाती है तो आपका हवाई जहाज आगे चल रहा है उसको फ्रिक्शन घर्षण नहीं मिलता और घर्षण उसको नहीं मिलेगा तो उसकी फ्यूल कंजप्शन पावर उसको कम लगाना पड़ेगा तो बचो तो सब प्रॉफिट का खेल है एयरलाइन को क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट कब होगा जब पेट्रोल कम लगेगा तो एयरप्लेन्स क्या है आपको अधिकतर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं पेट्रोल बचाने के लिए और स्पीड भी बढ़ जाएगी उनकी जैसे आपने अभी गाड़ी में अपन जाते हैं बैठते हैं तो बचपन में आप मेरी तो आदत थी पापा बहुत डांटते थे मेरे को जैसे मैं कांच खोल के ऐसे हाथ ऐसे बाहर निकालता था मेरा हाथ ऐसे पीछे जाता था तो मुझे मजा आता था समझ रहे हो गाड़ी चल रही है अस्सी पे तो मेरा हाथ पीछे जाता था तो मुझे मजा आता था कि मजा आ रहा है तो पापा मेरे को डांट देते थे कान पकड़ के अंदर खींच लेते थे कि हाथ बाहर बंद निकाल गाड़ी से तो बच्चों क्यों पीछे जाता था वो ठीक है फ्रिक्शन लग रहा है उस पर फ्रिक्शन लग रहा है हवा उसको पीछे ढकेल रही है तो ऐसे ही बच्चों जहाज अगर जो हवाई जहाज है जो हजार दो हजार दो हजार तो नहीं पे उड़ते पैसेंजर एयरक्राफ्ट सात सौ आठ सौ नौ सौ किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा है तो नीचे अगर उड़ेगा वो ट्रोपोस्फेयर में तो उसे बहुत पीछे ये फ्रिक्शन लगेगा ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेर में चले जाएगा तो वहां एयर ही नहीं है वो बिल्कुल समझ रहे हो आप तीर की तरह चलेगा वहां पर फ्रिक्शन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे और मतलब उसको पावर ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा मतलब फ्यूल उसका बचेगा इसलिए यही स्ट्रेटोस्फेयर का ये भी औचित्य है कि लोअर स्टेटोस्फेयर में आप कह सकते हो ट्रोपो पाउस के आसपास जो है एरोप्लेन जुड़ते हैं पेट्रोल भी बसता है स्पीड भी इनकी बढ़िया रहती है और ऊपर उबड़ खाबड़ जो है क्लाउड भी कम मिलते हैं यहाँ पे तो आपको वो जो है तकलीफ ज्यादा होगी नहीं समझ गए आप ठीक है ये हुई बच्चों सारी बातें आपके लिए अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों जिसकी वजह से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर अब गई ओजोन लेयर है यहाँ पे अब ये ओजोन लेयर का घर है और ओजोन लेयर का घर है बच्चों इसीलिए पृथ्वी हमारा घर बन पाई है क्योंकि ओजोन लेयर अगर नहीं रहेगी तो हम भी यहाँ पे पृथ्वी पे नहीं रह सकते क्योंकि गई ओजोन लेयर हमें बचाती है यूवी ओके okay, रेस से यूवी रेस का मतलब होता है बच्चों अल्ट्राइलेट रेस ओके अब ये कहां से आती है सूरत से आती है. अगर गाइज ये धरती पे आ जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती कल है कल मैंने आपको बताया था कई भयानक बीमारियां हो सकती है इनसे आईक अट्रैक्ट हो सकता है स्किन कैंसर हो सकता है इवन जेनेटिक डिजीजेस भी हो सकते हैं आनुवंशिक जो डिजीज होते हैं वो भी हो सकते हैं उससे बच्चों हमको यूवी रेस से बचाती है ओजोन लेयर समझ गए आप ओजोन लेयर हमें बचाती है यूवी रेस से और यूवी रेस से बचाती है और ओजोन लेयर की मौजूदगी बच्चों घर है स्ट्रेटोस्फेयर में ये देखो आप ओजोन लेयर है ये. ये लाल रंग का जो आपको दिख रहा है ये ओजोन लेयर है और बच्चों ब्लैक कलर का जो है ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है ये पूरा आपको स्ट्रेटोस्फेयर है ठीक है ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है आपका ये और ये ये पूरा स्ट्रेटोस्फेर है और उसके बीच में आपके ओजोन लेयर आराम से रहती है यहाँ पे ओके okay. अब गई ओजोन का कैसे बनती है ओजोन और ओजोन का क्या प्रॉब्लम है ओजोन में बच्चों भी होल भी हो गया है साउथ पोल पे ओके नाइनटीन सेवेंटी में खोज करी थी साइंटिस्ट ने उसके बाद दुनिया बहुत घबरा गई थी उसके बाद दुनिया को पता चला कि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करे जा रहे हैं पागलों की तरह और ओजोन में होल हो गया है और उसकी वजह से काफी तब बच्चों दुनिया थोड़ी सीरियस हुई थी वरना किसी को मतलब ही नहीं था एनवायरमेंट से काटो पेड़ जितने काटने फैक्ट्रियां लगाओ पोल्यूशन करो गाड़ियां बनाओ जो पोल्यूशन करती हैं पेट्रोल कार्बन छोड़ती हैं ओके पहली बार झटका लगा था बच्चों इसका रिजल्ट ये था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चल गया आपके लिए Okay, तो दुनिया ने एक बार सोचा रुका रुक के सोचा कि यार हम इतना डेवलपमेंट तो कर रहे हैं मगर ओजोन में जब होल हो गया साइंटिस्ट ने बोला कि खतरनाक है ये सदर पोल पे हो गया था तो दुनिया जो है एनवायरमेंट के बारे में भी सोचने लगी ओके okay? तो बच्चों पंद्रह से पैंतीस किलोमीटर की ऊंचाई लगभग इसकी यू you नो know, घनत्व रहता है एरिया है ओजोन लेयर का ठीक है अर्थ के फ्रॉम द अर्थ सरफेस ठीक है स्ट्राटोस्फेर के अंदर करती है आपके तो ओजोन लेयर बचो आपके यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है बताई दिया मैंने केमी भी भी कहते कहते हैं हैं इसको सीधा का सीधा का में क्वेश्चन आ सकता है, भी कहते है इसे क्योंकि कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस यहां पे चलते रहते हैं कई प्रकार के केमिकल गतिविधियां यहाँ पे जो है चलती रहती हैं तो इसे केमोस्फेयर भी कहते हैं अब क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों बनती कैसे ओजोन अब यहाँ पे ओजोन आई कैसे कौन भर रहा है इसको आपकी एसी की गैस खत्म हो जाती है तो आप उसे रिफिल करा लेते हो अब ओजोन यहाँ पे कौन डाल रहा है 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 तो बच्चों ओजोन जो है, अपने आप बनती है, okay, के केमिकल होता है। इसलिए हम इसको केमोस्पेयर भी कहते हैं केमोस्पेयर एक रिएक्शन होता है नेचुरल एक रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण ओजोन लेयर बनती है स्ट्रेटोस्फेयर में वो क्या केमिकल रिएक्शन होता है वो ओजोन आपको सबको पता बताएगा ओ थ्री को कहते हैं ओजोन ठीक है बच्चों केमिकल रिएक्शन ये होता है ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल ओ टू जिसे कहते हैं ऑक्सीजन ये एक सिंगल ऑक्सीजन के आइटम से जिसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन ओके नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं इसको ये मिलता है ओ टू प्लस ओ मिलते हैं आपके और ओ थ्री बनते बनाते हैं ओजोन बनाते हैं ठीक है अब गईज ओ टू और ने मिलकर ओ थ्री बनाते हैं इस ओजोन को दोबारा तोड़ा जाता है यूवी रेज जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है वो उसको दोबारा तोड़ देती है ठीक है दोबारा तोड़ देती है और दोबारा ये है जो आपके ओ टू और ओ में कन्वर्ट हो जाती है और दोबारा यही रिएक्शन होता है फिर दोबारा ओ टू प्लस ओ मिलती है और आपके ओ थ्री बनाती है ये प्रक्रिया बच्चों चलती रहती है जैसे आपकी साइकिल की जो पहिए हैं वो चलते रहते हैं साइकिल की तरह ये चलती रहती है और इस साइकिल को हम कहते हैं चैपमैन साइकिल समझ रहे हो आप चैपमैन ओके चैपमैन साइकिल कहते हैं इसको ये ओजोन की निरंतर बन बनते रहना और निरंतर उसका डिस्ट्रक्शन होते रहना इसे चैपमैन साइकिल कहते हैं लेकिन ओवरऑल हमें सरप्लस अमाउंट में ओजोन मिलता है और वो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रखता है अब इस प्रॉब्लम यहां पे यह हो गई थी कि पोल पे ही क्यों हुआ ओजोन में जो छेद है वो पोल पे ही क्यों हुआ सर ओके तो उसके कई सारे कारण है बच्चों एक कारण मैं आपको बता देता हूं ओजोन बच्चों अधिकतर जो बनती है वो इक्वेटर के आसपास बनती है इस एरिया में ज्यादा बनती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूवी रेस का होना बहुत जरूरी है इसमें और यूवी रेस यानी कि अर्थ यानी कि सूरज की रोशनी कहाँ ज्यादा होती है इक्वेटर पे होती है तो ओजोन एक्चुअली ज्यादा इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल एरियाज में बनती है फिर ये अपर एयर सर्कुलेशन के द्वारा पोल्स तक पहुंचा दी जाती है ठीक है तो सप्लाई बच्चों की जा रही है लेकिन माल कहां पे बन रहा है इक्वेटर पे और सप्लाई कहां पे की जा रही है पोल्स पे तो एक लाजमी सी बात है कि पोल्स पे जो ओजोन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि कहीं से पहुंचाया जा रहा है सामान तो ओके तो इक्वेटर पे डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है घनी है ओजोन और इक्वेटर पे रहने वालों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं तो पोल पे बच्चों ऑलरेडी ओजोन की जो लेयर है वो पतली है थिन है तो चेन कहाँ से टूटती है हमेशा चेन कहा से टूटती चेन को आप खींचोगे कहाँ से टूटती है हमेशा कमजोर कड़ी टूटती है तो बच्चों ऑलरेडी ओजोन जो है वो कमजोर है पोल्स पे ठीक है पोल्स पे कमजोर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वैसे ही ओजोन जो है वो पतली है तो सबसे पहले वो वहां पे छेद हुआ उसमें अब साउथ पोल पे क्यों हुआ एंटार्क्टिक आप, पे नहीं क्यों नहीं क्यों हुआ ओके ये भी सवाल आ सकता है अगर ये बच्चों मेरे को पता नहीं है ओके तो मेरे को जोग्राफी पूरी आती नहीं है अब आपको रिसर्च करनी है कि साउथ पोल पे क्यों हुआ ठीक है आपको रिसर्च करनी है कल कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर हमें पता है अब आप आप भी सीख लो हम, हम आप भी मुझे सिखाओ कि साउथ पोल में ही क्यों ओजोन होल हुआ है एंटार्क्टिका पे ही क्यों हुआ है ओजोन होल ये आपको रिसर्च करनी है ठीक है कारण मैंने बता दिया पोल पे क्यों पतली है तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं मगर साउथ पोल पे ही क्यों हुआ है पर्लम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है मेन्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है साउथ पोल पे ही सर क्यों हुआ है यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है आपसे क्या वो किताबों में नहीं मिलेंगे कहीं तो ये बात है तो बच्चों चैपन साइकिल समझ गए आप ठीक है सूरज की गर्मी से ओके चैपमैन साइकिल आपके चलती रहती है ओजोन बच्चों कॉन्स्टेंटली क्रिएट होती रहती है और कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रक्ट होती रहती है इसी साइकिल को हम कहते हैं चैपमैन साइकिल ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में है 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में है केमोस्फेयर भी कहा जाता है ओजोन लेयर को क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं क्या रिएक्शन हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया लिख के यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है ये पीडीएफ में आप देख लेना अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों बच्चों अब मीजोस्फेर कुछ काम काम की नहीं है काम की तो बहुत है ठीक जानकारी आप, तो बहुत है मगर आपको देना नहीं चाहता आपके लिए रेलिवेंट वो जानकारी नहीं है मीजो गाइज आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फेर के ऊपर अब गाइज यहां पे उल्टा हो जाएगा अब यहां पे टेम्परेचर दोबारा कम होने लग जाएगा जो कि आपको स्टार्टिंग में बोला था ना एक डायग्राम में आपको बार बार दिखाता रहूंगा तो ट्रोपोस्फेयर में अपन चले उड़े नीचे से ऊपर की तरफ चले तो ट्रोपोस्फेयर में ठंड लगने लगी आपको बहुत ठंड लगने लगी फिर आपको ठंड लगना बंद हो जाएगी ओके थोड़ी देर तक आपको कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर फिर स्ट्रेटोस्फेर में टेम्परेचर जो है आपका बढ़ने लग जाएगा हाइट के साथ साथ ओके फिर बच्चों स्ट्रेटोपाउस आ गया यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर का बॉर्डर आ गया टेम्परेचर बढ़ रहा था अब मीजोस्फेयर में गई अगेन अगेन द सेम थिंग व्हिच हैपेंड इन द ट्रोपोस्फीयर यहां पे दोबारा अब मीजोस्फेयर में आप और ऊंचे चलोगे तो टेम्परेचर आपको जो है कम होने लग जाएगा बढ़ने की बजाय माइनस 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा मीजो पॉस तक आते आते समझ गए तो वह जो टेम्परेचर का और हाइट का खेल है सारा ये सारा जो ये लेयर बनी हुई है टेम्परेचर और हाइट के हिसाब से बनी हुई इस हाइट तक टेम्परेचर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में घटता है सेटोस्फेयर में बढ़ता है और मीजोस्फेयर में फिर दोबारा कम होता है समझ गए आप मीजोस्फेयर में बचो ये इस क्राइटेरिया पे हमने मिजोस्फेयर को डिलीमिनिएट किया है 50 से 80 किलोमीटर इसकी हाइट होती है ओके जमीन से लेके 50 से 80 किलोमीटर का जो है आपको मिलेगा ये टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है हाइट के साथ जैसा कि ट्रोपोस्फेयर में होता है ओके okay, तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं कल भी बता चुका था पार्ट वन के अंदर एटमोस्फेर के कि यहाँ पे जो है मीजो से बच्चों मीट्योर ज्यादा यू you नो know, डेथ होती है मरते हैं या बर्न होते हैं या जलते हैं या जो भी बोल लो जो शूटिंग स्टार होते हैं जो टूटते तारे होते हैं वो ऑलमोस्ट बच्चों इस लेयर तक आते आते बिल्कुल भाप बन के हवा में उड़ जाते हैं हालांकि होते हो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं लेकिन अगेन ज्यादा अंदर आ रहे हैं वो एटमोस्फेयर अभी तो स्पेस में चल रहे थे वो वहां तो फ्रिक्शन कोई एयर वेयर कुछ है नहीं तो फ्री मूव करते हैं वो कोई रोकने वाला नहीं है उनको अब एटमोस्फेयर में आते हैं तो उनको फ्रिक्शन लगता है ओके घर्षण होता है उससे वो जल जाते हैं बर्न अप हो जाते हैं तो बच्चों बर्निंग ऑफ द जो है ओके ये आपके मीजोस्फेर में होता है दिस इज द पिक्चर हेयर विच आई शोड यू यस्टरडे ऑल्सो ये जो होता है हालांकि मीटियोर काफी पास आ गया है धरती के काफी पास दिख रहा है ये बस अधिकतर जो मीटियोर जलते हैं आपके वो मीजोस्फेर में ही जल के बर्न हो जाते हैं समझ गए आप तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मीजोस्फेयर के बारे में आप याद रख सकते हो राइट दिस इज द मीजोस्फेयर ओके ठीक है बच्चों म्यूजोस्फेयर में बच्चों नासा का एम मिशन के बारे में बता चुका हूं एम मिशन ऑफ नासा ने भेजा हुआ है आपके पोलर मिजोस्फेरिक क्लाउड्स ओके बच्चों लगभग कुछ सबसे ठंडे पार्ट्स आपको मिलेंगे मीजोस्फेयर के अंदर और यहां पर क्या अलग ही प्रकार के क्लाउड्स आपको मिलते हैं ओके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलते हैं पोलर के एरिया में ऐसे बच्चों मीजोस्फेयर में भी कुछ बादल मिलते हैं हमें जिन्हें हम कहते हैं पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स बच्चों इन क्लाउड्स के बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं है तो नासा ने क्या है कि मिशन अपना भेजा हुआ है एम नाम है उस मिशन का एम ए आई एम ओके इन हाई एल्टीट्यूड क्लाउड इतनी ऊंचाई पे क्लाउड कैसे बन रहे हैं यार इतने ऊपर जाके बादल कैसे बन रहे हैं में तो इनकी स्टडी करने के लिए ने थर्मोस्फेर पे, पे अपन चलते हैं ठीक है थर्मोस्फेयर को बच्चों दो लेयर में डिवाइड करा गया है आगे जाके आपके आइनोस्फेयर में और एग्जोस्फेयर में एक्जो मतलब पार एक्सो मतलब निकल गए पार एग्जोस्फेयर मतलब बाहर निकल गए आप एटमोस्फेयर से अब आप पहुंच चुके हो स्पेस के अंदर इसलिए थर्मोस्फेयर का जो आउटर पार्ट है वो एग्जोस्फेयर कहलाता है और बाकी जो इनर पार्ट है वो आपका आइनोस्फेयर कहलाता है ठीक है शोक थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा वही है उल्टा हुआ टेम्परेचर हाँ बढ़ेगा रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है कैसे हेल्प करती है आपको भी बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है थर्मोस्फेयर बच्चों काफी बड़ा हो गया तो मैं आयनोसफेयर और एग्जोस्फेयर में इसको कवर कर दूंगा तो बच्चों कई तरह की सेटेलाइट इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन हमारा जो घूम रहा है वो इसी लेर के अंदर है ओके यहाँ पे बच्चों आपके एक बहुत ही नेचुरल जैसे हम कहते हैं द ब्यूटी ऑफ द नेचर ओके द डांसिंग लाइट लाइट शो वो आपको देखने को मिलता है ये एक रियल पिक्चर पिक्चर है एक नहीं है है ठीक ये एनिमेटेड नहीं तो आपको लग रहा होगा कि सर हमको एनिमेशन दिखा रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं तो बच्चों ये मैं बेवकूफ नहीं बना रहा आपको ये रियल पिक्चर है ऐसा धरती पे होता है ऐसा आप धरती पे देख सकते हो ऐसा डांस नेचर लाइट शो कहते हैं इसको लेकिन बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा आर्कटिक सर्किल के आसपास या एंटार्टिक सर्किल के आसपास ओके आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्किल के आसपास नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड ओके ऑस्ट्रेलिया नीचे दोनों पोल्स के आसपास बच्चों आपको ये इस तरह के कलर्स रात को लाइट से, से दिखती हुई चलेगी आप उसका वीडियो भी देख सकते हो इनको हम कहते हैं अरोरा ठीक है अरोरा बोरियोलिस और अररा ऑस्ट्रियोलिस

कई सारे के आयन आते हैं सूरज से कई सारे खतरनाक आयन आते हैं उसको धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको मैग्नेटिज्म में मैं अच्छे से बता पाऊंगा वो आपके पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है पोल्स की तरफ भेज देती है और वहां पे ये रिएक्ट करते हैं इससे ये कलरफुल नेचर ने जो नेचर का डांस जो है ये क्रिएट होता है तो अरोरा बोरियोलिस आप कहेंगे नॉर्दर्न एटमोस्फेयर से अगर आप देख रहे हो उसको दिख रहा है तो आर्टिक सर्कल जाना पड़ेगा एंटार्कटिक सर्कल से आप देख रहे हो तो उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस ठीक है तो बच्चों ये आपके बेसिकली थर्मोस्फेयर में होते हैं ये कार्यक्रम सारे के सारे समझ गए आप ठीक है बच्चों तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस नेचर्स लाइट शो अब मैं आपको जो बताता हूं कि थर्मोस्फेयर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं आइनोस्फेयर और एग्जोस्फेयर ठीक है आयनोस्फेयर में ही बच्चों ये जो अरोरा होते हैं जो मैंने आपको दिखाया ये ज्यादा बनते हैं 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 आयनोस्फेयर के के इलाके में होते पे जो रिएक्ट करते गैस कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उसके कारण ये तर, लाइट निकलती है अलग अलग कलर की आप इसका वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे दिख जाएगा आपको ठीक है तो इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर है बच्चों ये इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर है आयन से बनी हुई एटम से बनी हुई है बच्चों ये इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर है इसलिए ये कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है हमारी इसको और हमने डी ई e और एफ लेयर में बांट रखा है वो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ऑप्शनल लेवल का मैंने आपको बताया ज्ञान यहाँ पे नहीं दिया जाएगा तो आईनोस को हमने और डी ई एफ लेयर के हिसाब से बांट रखा है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आय ज्यादा डेंसिटी और कम है डेंसिटी कहीं पे और ऊपर जाओगे जैसे नीचे जाओगे तो उस हिसाब से ई -E और एफ लेयर में भी हमने बांट रखा है और बच्चों ये ई -E और एफ लेयर हमारे को रेडियो कम्युनिकेशन करने में मदद करती है कैसे करती है मैं आपको बताता हूं ये आपकी अर्थ है मान लीजिए ये आपकी अर्थ है समझ गए आप ये आपका आइनोस्फेयर है यानी कि चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे एटम्स है बहुत सारे अब आप क्या करोगे आपको कम्युनिकेशन करना है अब आपको धरती के इस, इस, इस यहाँ पे कोई संदेशा भेजना है रेडियो चलाना है बीबीसी अब बीबीसी वो पहले भेजते थे हम वहां से यूके से और हमें सुनाई देता था हमें भारत में अब तो क्या करेंगे बच्चों अब ऐसा कर रहे हैं ऊपर एटमोस्फेयर है तो हम क्या बच्चों रेडियो वेव्स छोड़ेंगे हम रेडियो वेव्स छोड़ेंगे रेडियो तरंगे छोड़ेंगे हम ऊपर हवा में आसमान की तरफ ठीक है आसमान में तरफ छोड़ेंगे और आइनोसफेयर क्या करेगी इनको जाने नहीं देगी क्योंकि ये खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें लेयर है इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ये इसको दोबारा नीचे रिफ्लेक्ट कर देगी समझ गए आप नीचे रिफ्लेक्ट कर देगी ओके और इस सिग्नल को आपके जो है बहुत दूर तक भी पहुंचा देगी या पास में भी पहुंचा देगी समझ गए आप तो इस तरह से बच्चों आइनोसफेयर जो होती है वो आपके रेडियो कम्युनिकेशन में काम आती है डी लेयर ई लेयर एफ लेयर ये आपके रेडियो कम्युनिकेशन में काम आती है ओके सो लाइक दिस वे इट डिपेंड समझ गए कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चो रिफ्लेक्ट कर देगी ओके okay. जैसे कि आपके वो क्या कहते हैं वो भूल रोम उसका नाम तो ठीक है तो आपने भेजा यहां से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया इसने इस तरह से ये रेडियो कम्युनिकेशन में काम आती है बस दैट से आपके लिए काफी है इसके बाद बच्चों एक्सोस्टफेयर आ जाता है एनोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्ट है अपर मोस्ट लेयर है ये ओके okay, सबसे ऊपर है ये लेयर एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड आइनोस्फेर के ऊपर है सबसे ऊपर है कुछ हाइड्रोजन और हीलियम जो कि स्पेस से आई हुई है क्योंकि स्पेस से जो भटकती हुई हाइड्रोजन और हीलियम कुछ यहाँ पे गैसेस जो हैं इनर्ट गैसेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकती हैं ठीक है ठीके? बाकी बच्चों कुछ खास चौचित्य नहीं है इस लेयर का ओके टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा सनलाइट की डायरेक्टली एक्सपोज होती है ठीक है और इसी के साथ जो है हम स्पेस में पहुंच जाते हैं और एटमोस्फेयर हमारी पीछे छूट जाती है तो समझ गए ही आप सारा सारा का सारा किस्सा ओके पहले ट्रोपोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर उसके बाद खत्म टाटा बाय बाय देन यू आर इनटू द स्पेस ओके उसके बाद स्पेस में आप पहुंच जाओगे अब देख लो आपको कहाँ जाना है जलना है तो हमारा वीनस पे चले जाना ओके और ठंड में सिकुड़ सिकुड़ना है तो मार्स पे चले जाना तो आपके यहाँ ऊपर है वो डिपेंड करता है वो ठीक है मगर एटमोसफेयर अब आपको बचा नहीं पाएगा इसके आगे और एटमोसफेयर

एंड थर्मोस्फेयर में बेसिकली आपके आइनोस्फेर ही है ठीक तो है तो आइकन जो मिशन है बच्चों, वो आपके लियो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट में देखेगा क्लोजअप कैमरे से देखेगा अर्थ के पास रहेगा और वहां से अध्ययन करेगा कि इन लेयर्स में हो क्या रहा है ठीक है गोल्ड मिशन जो है बच्चों को बहुत ही अपर ऑर्बिट्स में जिनको आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हो या पढ़ोगे एस के अंदर एस एन टी में आई होप आपको जरूर पढ़ाया जाएगा ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा गोल्ड मिशन और ये ऊपर से देखेगा बड़ी पिक्चर पैतीस हजार किलोमीटर ऊपर से देखेगा अर्थ के ये लियो ऑर्बिट बच्चों ज्यादा ऊपर ऊपर नहीं होते किलोमीटर आपको मिल जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं इनको ओके तो बच्चों लियो में रहेगा आपका आइकन आइकन रहेगा लियो में लो अर्थ ऑर्बिट में और गोल्ड मिशन आपका जाएगा ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर तो ये दोनों नजदीक से ये पूरा फुल डिस्क व्यू देगा अपने को आइनोसफेयर का कौन सा मिशन जो गोल्ड मिशन है ठीक है तो पास से नजदीक से दोनों तरफ से नासा जो है यहाँ पे देख पाएगा कि ओजोन में क्या हो रहा है सॉरी एटमोसफेयर में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से जो है आपके वो जो है स्टडी करेगा आपके अपर एटमोसफेयर की ठीक है अपर एटमोसफेयर की ठीक है अपर एटमोसफेयर बच्चों किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं आपको पता है कई तरह के जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स आ सकते हैं हमें पढ़ाऊंगा जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स होते हैं सोलर फ्लेयर्स आ सकती हैं ओके सोलर बर्स्ट हो सकते हैं ठीक है और आपके कई हरिकेन्स भी इतने हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं कि वो ऊपर तक एटमोसफेयर के जो है यू you नो know, उनको इफेक्ट करते हैं तो इनका क्या इफेक्ट रहता है ओके okay, क्या सब का कॉज एंड इफेक्ट रहता है वो सब जो है नासा यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा थ्रू द गोल्ड एंड आइकन मिशन विच है बीन लॉन्च्ड इन द ईयर 2018 तो 2018 बच्चों कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में मैंने तो आपको बता दिया है ये ठीक है इसी के साथ अपन जो बच्चों है क्लास को करते हैं अभी एंड और आपको करते हैं फ्री ठीक है नेक्स्ट लेक्चर है तो विदा कर दिया आपको एकदम टाइम पे तो बच्चों आइकॉनिक और आज आप जुड़ सकते हो प्लस पे ओके बैचेस आपके लिए चालू हो चुके हैं बच्चों आज लोन पे सबसे बच्चों अगर कॉल नहीं आ रहा है डायरेक्टली आप मुझे कॉल करें नाइन नाइन टू एट सेवन थ्री ट्रिपल एट सेवन पे 992873, 8887, मुझे आप कॉल कर सकते हो मेरा सब बच्चों के पास नंबर रहता है पब्लिक नंबर है आप कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो अर्जेंसी है तो कि सर नहीं आ रहा एक घंटे में कॉल आ जाएगा विद इन आवर 20 बुक्स आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ में फ्री में दस हजार रुपए की थर्टी थाउजेंड की टेस्ट सीरीज आप फ्री में ले सकते हो ओके पैतीस परसेंट डिस्काउंट चल रहा है बच्चों आप आज आपका ओके तो ले सकते हैं हाँ, आज आप सकते हो पैंतीस परसेंट बहुत ही अच्छा ऑफर है ये लगभग सतहत्तर हजार का जो कोर्स है जीएस का प्लस का वो आपको फिफ्टी थाउजेंड में मिल जाएगा अप्रोक्स अप्रॉक्स okay, दो साल का एक लाख बारह हजार का जो है सेवेंटी फोर थाउजेंड मिल जाएगा और आइकॉनिक का दो साल का जो डेढ़ लाख का है वो आपको मात्र एक लाख में मिल जाएगा बच्चों और साथ में सिड यूपीएससी कोड के सारे फायदे मिलेंगे आपको ठीक है और ये सारे फायदे भी मिलेंगे तीस जून तक है बस ये टेस्ट सीरीज ओके okay, तीस हजार रुपए बर्थ है अस्सी टेस्ट आप दे सकते हो हर साल है इसके अंदर ओके बुक्स मिल रही हैं आपको सारी ठीक है डिस्काउंट पैंतीस परसेंट मिल रहा है तो यू यू कैन कैन थिंक अबाउट इट इट गो गो विद इत, और बच्चों अगर आप कोड लगाते हो सिर्फ यूपीएससी तो सोने पे सुहागा आपको जो है मेरी टीम में पार्ट ले लिया जाएगा मैं आपको गाइडिंग और मेंटोर करूंगा पर्सनल लेवल पे आप मेरे से जुड़े रहोगे पूरे जीवन भर का हमारा एक रिलेशन बनेगा ओके आपका जब तक सब चले ना चले बच्चों लेकिन ये सिर्फ आपके वन ईयर से ज्यादा पे ही है ये भी ये भी जो आपको मिल रही हैं सुविधाएं जो बता रहा हूँ ये सारी वन ईयर या उससे ज्यादा पे ही है और वन ईयर से कम बच्चों लेने का मतलब भी नहीं है कॉम्बो लेना जब भी लो वरना लेना ही मत कॉम्बो लेना बच्चों फायदे में रहोगे क्योंकि ऑप्शनल जीएस तो एक बारी के लिए आदमी सोच भी ले कि हाँ भाई ठीक है हम कर सकते हैं लेकिन ऑप्शनल में तो मतलब ही नहीं कि बिना आप असिस्टेंट के कर पाओगे और यहाँ पे कोई पढ़ाता भी नहीं यूट्यूब व्यूट्यूब पे ऑप्शनल का तो लेना ही और कॉम्बो वहाँ पे सबसे सही है सारा डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे कोड से वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मिलेगा और सारी चीजें बच्चों आपको ज़रूर आई होप यू विल मीट द सक्सेस ओके सो यूल अगर बच्चों कोड आप किसी और का इस्तेमाल कर देते हो और फिर आप मुझे बोलते हो कि सर मैंने एक्स वाई जेड का कोड इस्तेमाल कर लिया और मुझे अब कुछ नहीं मिल रहा है मुझे मदद नहीं मिल रही है अब आप दे दो तो बच्चों मैं उसका कुछ आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा ऐसा करके आप मुझे भी मतलब बुरा लगेगा मना करने में और आपको भी शायद बुरा लगेगा ऑब्वियसली एक ह्यूमन को बुरा लग सकता है कोई बोले और उसकी जो बात जो है मानी ना जाए तो ऐसी सिचुएशन में पढ़ना ही मत ओके okay, भी आपको लेना, यही करना, क्योंकि इसमें गारंटी है कि और आपको मेरी तरफ से, पे, मेरे पर्सनल नंबर पे ये नंबर नहीं जो मैंने दिया पर्सनल नंबर जो मेरा है उसमें आपको जुड़े रहोगे आप मेरे से स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा पूरी कैसे करना है प्लस भी बेस्ट यूज कैसे लेना है समझ रहे हो करंट अफेयर्स कैसे अच्छे से करने हैं ऑप्शनल कैसे चूज करना है बहुत सारी चीजें हैं बच्चों इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम वेरी टफ एग्जामिनेशन इट्स रिक्वायर लॉट ऑफ प्लानिंग ओके स्ट्रेटजी सब कुछ चाहिए आपको समझ रहे हो आप तो उसमें एक मार्ग दर्शक का होना जरूरी है जो एक्चुअल में आपको मार्गदर्शन करे ऐसा नहीं कोड लगा लिया और फिर टाटा बाय बाय तो बच्चों बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे जहा पे फिर बच्चे फिर अनडमी को भला बुरा कहते हैं मैं वो कई बार बताना चाहता हूँ तो बच्चो अकेडमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको उस एजुकेटर से जोड़ेगा आपने किसी एक्स एजुकेटर का कोड लगा दिया इंडिया का बेस्ट एजुकेटर है तो कुछ नहीं कह रहा आपको ऐसे ओके अगर वो एजुकेटर आपको ऐसे कह रहा है तो आप उसे कन्फर्म करें एक बार संपर्क कर रहे हैं बात करें और फिर कोड लगाएं आप बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम में आने से फंस जाओगे आपको बता रहा हूँ तो सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए मैं नहीं कह रहा मेरा है किसी अच्छे, के दो पांच मिनट की भी सलाह आपके लिए बहुत पांच महीने का जो काम है वो लोड कम कर सकती है सो यूज इट वाइसली बाकी इट इज योर डिसीजन गाइज सो दिस इज ऑल फॉर टूडे तीन बजे बच्चों और मिलेंगे अन की एप के ऊपर डू द एमसी क्यू शाम को भाई आर के लिए मिलेंगे सो so, आना है आपको दो सारी क्लासेस में ओके थैंक यू सरला शुभी शिवम रणधीर बहादुर ओके okay. धनु श्री रॉय अंबिका अनुज चौधरी गौरव राठौर डोली ओके okay. अभिषेक करा आई एम गुड शुभी जेन लेट हो गए आप आने में बाय बाय ओके ठीक है शो बच्चों जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद फिजिक्स वाला भी जिंदाबाद यार फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला मैथ्स वाला ज्योग्राफी वाला भी जिंदाबाद ओके सब जिंदाबाद ओके तो बच्चों अन अकेडमी भी जिंदाबाद तो मिलते हैं अपन तीन बजे सी के साथ गई और गुड बाय टेक केयर ध्यान रखिए अपना और यूपीएससी लच्सा सो सी यू एट थ्री पी एम ऑनडन अकेडमी अपल्लीकेशन चल देंड गाइज गुड बाय बच्चों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना नोटिफिकेशन यहाँ आएंगे सारे यूट्यूब के भरोसे मत बैठे रहना यूट्यूब नहीं भेजता नोटिफिकेशन तीन नोटिफिकेशन भेजता है बस टेलीग्राम यहाँ आपको लेकिन सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और पी आज आपको इसकी पी मिलेगी क्योंकि आज ये क्लास खत्म हुई है तो बच्चों मुझे मैसेज मत करा करो अननेसेसरी सर पी नहीं है अभी टॉपिक खत्म होने के बाद मैं भेज दूंगा अगर मान लो मैं भी हो सकता है कभी कभी भूल जाता हूँ टॉपिक खत्म हो गया तो भी मैं नहीं भेजता दो तीन दिन हो गए चार तब तो आप मुझे कर सकते हो ओके मैसेज वरना टॉपिक खत्म होने का मैं खुद ही भेज दूंगा तो आज मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे ठीक है तो ज्वाइन कर लेना इसी के साथ बच्चों मिलते हैं फिर तीन बजे गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट जय हिंद